हेलो गाइस, वेलकम टू लिव गेमिंग चैनल पे। तो भाई लोग, आज मैं बात करने वाला हूँ, नया इलेक्ट्रिक मोड आ चुका है। और गाइस, ये जो चाइनीज़ की बीटा वर्शन टेस्टिंग वर्शन है उसके अंदर ही देखने को मिला था कल के दिन ही। तो गाइस, ये गाइस आप लोगों को पता ही है कि पहले जो चाइनीज़ का बीटा वर्शन है उस पर आ जाता है सारी चीज़ें, उसके बाद ग्लोबल में भी आ जाता है और गेम फॉर पीस जो चाइनीज़ ओरिजिनल वर्शन है उसमें भी आ जाता है। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं हमारे स्पॉन आइलैंड के ऊपर। आप देख सकते हैं स्पॉन आइलैंड कैसा ही दिख रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक आपको गन मिलेगा वो भी इधर ही मिलेगा गेम के अंदर, आपको स्पॉन आइलैंड जाना पड़ेगा। तो अभी गाइस चलो चलते हैं गेम के अंदर चलते हैं। भाई लोग, बेसिकली आपको इरंगल मैप पे मिलेगा और तीन लोकेशन पे मिलेगा गाइस। जैसे कि देख सकते हो ये तीन लोकेशन जो हार्ड बना हुआ है, ये तीनों लोकेशन पे स्पॉन आइलैंड पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैं तो डायरेक्ट नहीं जा पाया, तो अभी पानी से चलते हैं अभी स्पॉन आइलैंड की तरफ। और गाइस पानी में उतरने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा सार्प बोट की, तो सार्प बोट से आप इजीली मतलब जा सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है ना, कुछ दिन पहले जो वीकेंडी मोड आया था हमारा आर्कटेट मोड, तो उसके अंदर जो भी स्केट वगैरह थे अब कहीं भी जा सकते, तो वैसे ही है गाइस। तो इससे आप सार्प बोट से कहीं भी जा सकते पानी के अंदर। और इधर कुछ इमोट मतलब कुछ स्टैंड वगैरह भी दिखा सकते हो, जैसे हमारा आर्कटेट मोड में भी था वीकेंडी में, तो वैसे ही सेम टू सेम है गाइस। तो अभी गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, आप लोग देख ही सकते हो पूरा हार्ट शेप का बना हुआ है। और मेरे को भी पता नहीं अभी तक किसके अंदर क्या ही सीन है, तो देख सकते हो पूरा हार्ट शेप बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो चलते देखते क्या ही सीन है इसके ऊपर। तो गाइस देख सकते हो इधर एक म्यूज़िक सिस्टम है और उस साइड पर स्टेज बना हुआ है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये म्यूज़िक सिस्टम के पास जा रहा हो तो ऑप्शन मिल रहा है गाइस, म्यूज़िक का ऑप्शन मिल रहा है, तो देखते हैं इसे क्या कर सकते। तो गाइस इसके ऊपर, हाँ गाइस इसके ऊपर आना पड़ेगा, इसके ऊपर आने के बाद ये दबाना पड़ेगा। ओ भाई, तो देखो ऊपर टाइमिंग स्टार्ट हो गया और मेरे हाथ में तो ग्विटर आ गया, तो देखते हैं इससे क्या होता है। अभी तो टाइमर ऑन है, तो भाई लोग ये आ जाएगा आप लोगों को अगर 0.19 वाले अपडेट में ये आ सकता है, मतलब हमारे जो पबजी की वर्जन है इसमें भी आ सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, इसको मारना पड़ेगा गाइस। हाँ तो गाइस इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देखते क्या होता है इससे, अगर ये कंप्लीट करते हैं तो हम इससे क्या होते हैं। वैसे तो गाइस मतलब बीटा टेस्टिंग में कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, वो नेक्स्ट इन फ्यूचर आप लोगों को वो गेम में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उधर टेस्टिंग होता रहता है। और ये हमारा ग्लोबल की जो बीटा वर्शन है उसमें तो नहीं आया अभी तक, लेकिन जो चाइनीज़ का बीटा वर्शन है उस पर आ चुका है। और गाइस जो मैप वगैरह है रहते हैं, जो भी मैप रहते हैं वो मतलब हमारे पबजी में भी और चाइनीज़ के जो वर्शन है गेम पर फीस उसमें ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ उतना फ़र्क नहीं रहता। तो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कितना बार मारना पड़ेगा। ओ भाई वैसे तो मेज़ भी हो रहा है। अच्छा, इंटू फोर दिखा रहा है। अच्छा चलो हो चुका है, ट्रिपल एस मिल चुका है। अच्छा ऊपर से गाइस, ऊपर से देखो लूट गिर रहा है गाइस, ये तो कुछ मिला है 5 कैमो लग रहा है, तो ऊपर से ऐसे लूट मिलेगा आप लोगों को ये कंप्लीट करने पे। तो लूट लेते हैं, बहुत ही अच्छा है गाइस। और उतना कुछ खास लूट नहीं मिला, फ्लेयर वेलर वगैरह नहीं मिला, लेकिन फिर भी मतलब फाइट करने की के लिए तो लूट तो मिल गया। तो अभी चलते हैं और भी देख लेते हैं क्या क्या सीन है इधर, और भी और एक स्टेज भी है, एक रेडियो भी दिख रहा है, तो देखते सब में जाके कि क्या है। तो भाई लोग अभी हम चलते हैं स्टेज की तरफ, तो देखते हैं इधर क्या चक्कर है। तो इधर गोल गोल सर्कल बना हुआ है, यह क्या है मेरे को भी पता नहीं। तो इधर ड्रॉप को गिरा, इस पर ड्रॉप से कुछ होता नहीं, कोई गन का ऑप्शन आया तो इसको कर लेते हैं, देखते क्या मिलते हैं। तो चलो गन ही मिला है, कोई तो गन मिला है। हाँ गाइस, और ये सर्कल भी अभी ग्लो करने लगा है देख सकते हो। तो हाँ, इसके ऊपर डिस्प्ले में गाइस फायर करना पड़ेगा शायद। हाँ, तो इसके ऊपर अगर फायर करोगे तो म्यूज़िक सिस्टम बजेगा, तो आप लोगों को इधर से भी शायद कोई पॉइंट्स वगैरह मिलेगा, जैसे कि अभी लूट वगैरह मिलते हैं। जैसे पिछले वाले में भी मतलब वो गिटार से वो फोड़ने में आप लोगों को मिल रहा था लूट, तो इधर भी ऐसा ही सीन होगा शायद। और इलेक्ट्रिक गन भी गाइस स्पॉन आइलैंड पे मिलेगा आप लोगों को, तो देखते कहाँ से मिलते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक गन है। तो अभी देख सकते हो गाइस लूट आ चुका है हमारा, लूट तो उतना खास नहीं। ये गाइस ये गन मिल चुका है, और एक गन, तो इसको भी अभी देख लेते हैं क्या गन है। 3 ये गाइस यही इलेक्ट्रिक गन है गाइस। हाँ गाइस, ये वाला इलेक्ट्रिक गन है, तो इससे आप लोगों को फायर कर सकते हो, लेकिन गाइस इससे एनिमी मरेगा नहीं, मतलब एनिमी कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई एनिमी नहीं है। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब एनिमी के पास जाके स्पॉन आइलैंड से अंदर चला जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे एनिमी रिएक्ट करता है। और अगर आपके ऊपर खुद से होता है, मतलब आपके ऊपर भी कोई फायर करता है इलेक्ट्रिक गन से, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो वही सारे चीज़ें आगे दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहना गाइस, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और पबजी की आर खेलते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि इस पबजी की आर रिलेटेड कुछ भी लिख जाएगा चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुका है मैप के अंदर, तो देखते यहाँ पे कोई बॉट आ गया है,
और उसको वैसे गैस कैन फोड़ रहा है लेकिन गैस कैन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि गाइस मैंने पहले भी बताया था कि ये मतलब एनिमी को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसका डैमेज नहीं देगा लेकिन कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देगा। तो अभी बॉट आ चुका है, इसको देखते क्या सीन होता है इसका। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रीज हो चुका है, फायर नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्लोज से ही करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा दूर से करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा गाइस, मतलब इसके लिए आपको पास ही जाना पड़ेगा एनिमी की, तभी आप कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस ये फ्रीज हो चुका है, अभी हट गया तो फिर से करना पड़ेगा, तो थोड़ा क्लोज जाना पड़ेगा वरना ये काम नहीं करेगा गाइस। तो इसके ऊपर अगर ऐसे करोगे तो आप फ्रीज हो जाएगा, मतलब फायर करोगे इलेक्ट्रिक गन से। तो अगर ये आ गया गाइस तो मज़ा आ जाएगा, मतलब उतना तो कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी मतलब मज़ा आ जाएगा, एक नया चीज़। तो भाई लोग अभी हम फिर से स्पॉन आइलैंड के ऊपर चलेंगे और आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर एनिमी आपको मतलब इलेक्ट्रिक गन से फायर करता है तो क्या होता है। तो अभी देख सकते हो गाइस ये बंदा मेरे को फायर कर रहा है और इलेक्ट्रिक गन से, तो मेरा अभी तो कुछ नहीं हुआ अभी तक क्योंकि ये बहुत हिल रहा है, लेकिन हाँ अभी देख सकते हो गाइस क्या सीन हो रहा है। तो अभी मतलब फ्रीज हो रहा है बंदा, तो ऐसा ही सीन रहेगा गाइस। आप लोग इसको मतलब मजे के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब क्लोज में बंदा आ गया तो आप फायर दे सकते हो और अपनी खुद की टीम में इसको बोल सकते हो कि इसको मारने के लिए, तो वो इजी रहेगा, लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत पास जाना पड़ेगा गाइस। भाई लोग अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।